क्लास, जैसे कि हमने अपना रेजिस्टिविटी, न्यूमेरिकल्स, कॉम्बिनेशन ऑपरेशन सब कर दिया है। और पे नया टॉपिक आता है इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट चल रही है तो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड ही चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो करंट, पोटेंशियल, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, पावर, इसके आगे एनर्जी भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है, इसका सिंबल पी। ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देख लीजिए। इट इज डिफाइंड एज अ इलेक्ट्रिकल बर्डन। इलेक्ट्रिकल बर्डन, इलेक्ट्रिकल होगा तो इलेक्ट्रिक बर्डन भी होगा, इलेक्ट्रिकल होगा, इलेक्ट्रिकल बर्डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। मतलब जो हम बर्डन पर यूनिट टाइम में जो काम करते हैं उसी को हम पावर बोलते हैं। ठीक है, इसका सिंबल, इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। पी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकल पावर, जिसकी यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है पावर की, वॉट। ऐसा यूनिट क्या होती है पावर की, डब्ल्यू ए डबल टी, वॉट, कैपिटल डब्ल्यू भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, वॉट। तो पी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकल पावर, यूनिट वॉट। डब्ल्यू क्या है, स्टैंड फॉर वर्डन, जिसकी यूनिट क्या होती है, जूल, कैपिटल जे से भी शो कर सकते हैं। और टी टाइम, टाइम की यूनिट सेकेंड। ठीक है, पीपल डब्ल्यू वन टी। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा, ये फॉर्मूला ही हो जाएगा। अब इससे हमें क्या वर्क का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क का, इलेक्ट्रिकल वर्क का क्या फॉर्मूला होगा, ये इलेक्ट्रिकल वर्क है कल वर्डन, इलेक्ट्रिकल जो वर्डन है उस न्यूमेरिकल बन सकता है ना इसे इलेक्ट्रिकल वर्डन। तो इलेक्ट्रिकल वर्डन क्या जाएगा, इलेक्ट्रिकल वर्डन हो जाएगा हमारा डब्ल्यू इक्वल टू पी को टी के साथ भेज देंगे, पी पुट टी हियर मल्टीप्लाई बाय दिस, तो पी इंटू टी, तो डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू टी। एज वी नो दैट पी इक्वल टू क्या होता है, वी आई, एक फॉर्मूला था पी का पावर का, वी आई भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, याद नहीं है तो इसे भी नोट कर लेना, पी इक्वल टू वी आई भी होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, पी इक्वल टू वी आई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी की जगह वी आई डाल देंगे इंटू टी, तो वी आई टी। तो ठीक है, डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू वी आई टी। ठीक है, पी इक्वल टू एक वी आई होता है, और पी इक्वल टू एक क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर, ये फॉर्मूला होता है, ये नोट कर लीजिएगा। अगर आई की जगह हम वी अपॉन आर, हमने ओम्स लॉ देखा था, आई इक्वल टू क्या था, वी इक्वल टू आई आर, आई को निकालना है तो वी अपॉन आर, आर की वी के नीचे डिनोमिनेटर में आर भेजना पड़ेगा, तो वी, वी के नीचे आर, तो आर तो ये है, तो वी ये भी वी है, तो वी मल्टीप्लाई वी, वी स्क्वायर, पी इक्वल टू वी स्क्वायर। दो फॉर्मूला होता हमारे, तीन फॉर्मूले मिल गया हमें पी के, इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, एक तो ये है, एक ये हो गया, एक ये, दे आर थ्री फॉर्मूले ऑफ पावर। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसके बीच में कौन सा हमें यूज कब करना पड़ जाए, न्यूमेरिकल्स पे कुछ नहीं कह सकते, इसलिए तीनों नोट कर लेना। ठीक है, सब इलेक्ट्रिकल पावर के लिए। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, जो ये इंपॉर्टेंट है, इससे एक पावर बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, दूसरा टॉपिक जो हमारे पास है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, फिलहाल इसे कर लीजिए। जो ये हमारा ये निकल रहा है वी आई टी बोल रहे हैं हम, इलेक्ट्रिकल बर्डन, तो इलेक्ट्रिकल बर्डन ही हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया आपको, पहले बताया पढ़ाया हुआ है कि वर्क और एनर्जी एक दूसरे को इक्विवेलेंट मानते हैं, क्योंकि यूनिट भी आपने देखी होगी, जूल होती है एनर्जी की और वर्क की, तो वर्क और एनर्जी इसकी जगह जैसे हम बोले तो ई, हम ई भी शो कर सकते हैं इसकी जगह। ठीक है, ई मतलब एनर्जी। ठीक है, अगर बर्डन इलेक्ट्रिकल है तो ई क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगी, कोई भी एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिकल टर्म बने तो वर्क डन इलेक्ट्रिकल वर्ड डन और ई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ई एनर्जी निकालना हो तो ई एनर्जी निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, डब्ल्यू इक्वल टू या ई इक्वल टू। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पर रफ करके थोड़ा सा इसे, इसे के आपने नोट कर लिया होगा, तो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहीं पर कंप्लीट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो मैंने बताया हुआ वर्ड डन है, जो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू E अपॉन T, तो E इक्वल टू P इंटू टी। ठीक है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिकल पावर है। ठीक है, E से शो करा हुआ, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल, मैंने VI बताया था, VI T, तो ये हमारी याद। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, ये वर्डन और एनर्जी इक्विवेलेंट है, ये W मानो या E मानो। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक एनर्जी E इक्वल टू ई अपॉन टी, बर्डन हो या एनर्जी हो, मैंने बताया हुआ वर्क और एनर्जी, इनकी यूनिट भी सेम होती है जूल। ठीक है, इसलिए हम इक्विवेलेंट मानते हैं, इक्विवेलेंट पी इक्वल टू ई अपॉन टी, ई पी के साथ भेजेंगे, पी इक्वल टू वी आई, ई इक्वल टू वी आई टी, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या रहेगी, ऐसा यूनिट देखे तो हम, ऐसा यूनिट क्या रहेगी इसकी, देखो पावर, ये पावर है, पावर, पावर की मैंने क्या बताई, वॉट, और टाइम की क्या है, ये सेकेंड ले लो या आवर ले लो, आवर ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, वॉट आवर, डब्ल्यू एच आर, या
kWh भी लिख सकते हैं, अगर बड़ी यूनिट है पावर किलो में है, जैसे ग्राम में होती है तो जैसे किलोग्राम, ऐसी वॉट किलो वॉट मेगावाट, ठीक है, kWh बोलते हैं। अगर मैं h को कैपिटल ले लूँ तो इसकी यूनिट क्या रहेगी, सही यूनिट किसकी, एनर्जी की, तो क्या हो जाएगी kWh, ये इसकी सही यूनिट। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, पूरी बोर्ड एग्जाम्स न्यूमेरिकली बनेंगे बनेंगे, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए सही यूनिट। तो यहाँ पर आपका लगभग हमने 90% ये कवर कर लिया इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो ये फिलहाल ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट।